हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। अभी मैं अपने एरिया से जहां मैं रहता हूं वहां से वॉक करके मैं सेंट्रल लंदन जाऊंगा, और क्योंकि पूरा लंदन ही बहुत खूबसूरत दिखता है तो मैं यही सोच रहा हूं कि जर्नी में जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी ये वॉकिंग के दौरान वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए, यही बहाने मेरा थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा, और वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही है, तो उतना तो वैसे भी हमारे लिए वॉक करना कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। गांव में वैसे भी हम लोग बहुत वॉक किया करते थे, तो आज से मैं यही करूँगा। आने वाले टाइम में भी कोशिश करूँगा वॉक करूँ ज़्यादा, और वॉकिंग के दौरान जो अगल बगल का जो अच्छी अच्छी जगह पर है, जो जो भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी वो सब आपको दिखाऊंगा मैं अपने वॉकिंग जर्नी के हिसाब से। तो चलिए, आज से एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं, वॉकिंग जर्नी इन लंदन। तो लंदन मैं मोस्टली अब वॉक करके ही घूमूंगा, क्योंकि मेट्रो से घूमने से उतना एक्सप्लोर कर नहीं पाते हैं, तो अब वॉक करके जितना ज़्यादा होएगा घूमूंगा, और यही बहाने मेरा एक्सरसाइज भी हो जाएगा एक तरह से। तो चलिए करते हैं आज का। तो फिलहाल मैं हूँ हेरिंगे में, और इधर से मैं जो पिछला वीडियो डाला था प्रिंसबेरी पार्क, तो सामने उधर प्रिंसबेरी पार्क है, तो अभी मैं ये हेरिंगे कॉलोनी को क्रॉस कर रहा हूँ, और चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको इधर का जो कॉलोनी है वो दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है हेरिंगे का एक कॉलोनी, इधर आप देख सकते हैं। मोस्टली आपको सारा कॉलोनी इधर ही दिखेगा, तो अभी सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है आगे चल के देखेंगे वो प्रिंसबेरी पार्क है। तो यही है ये हेरिंगे का कॉलोनी। तो जैसे जैसे क्रॉस करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे एरिया का नाम। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये हेरिंगे का जो एक छोटा सा मार्केट है यहाँ पे वो है। आप देखिए इधर का आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है। तो इधर एक छोटा सा मार्केट है, उसी को क्रॉस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा प्रिंसबेरी की ओर। तो फिलहाल मैं अभी 1 किलोमीटर ही वॉक किया हूँ, तो जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपको बताते जाऊँगा। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये एरिया। ये देखिए फ्लावर्स आ चुके हैं, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है, तो बहुत सारे पेड़ में फ्लावर्स आ चुका है। यही सामने मार्केट है। ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया का नाम है हेरिंगे, और मैं इसी एरिया में रहता हूँ जो कि लंदन जोन 2 में है। तो आप देख सकते हैं यही है छोटा सा मार्केट, मतलब आगे प्रिंसबेरी पार्क तक सीधा जाऊंगा तो ऐसा ही मार्केट है दोनों साइड। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारा शॉपिंग का जो छोटे छोटे स्टोर है, फास्ट फूड, पिज्जा हट, बहुत सारे चीज़ें हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कोई स्वीट्स का दुकान है, ये बर्तन वगैरह का, काफ़ी बड़ा है, बहुत सारा रेस्टोरेंट है इधर आप देख सकते हैं। अच्छा है जगह, छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपडेट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं हेरिंगे क्रॉस कर रहा हूँ। ये पूरा एरिया जो इधर पीछे से मैं वॉक करके आ रहा हूँ ये हेरिंगे था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है एक ओवरग्राउंड है, मतलब ट्रेन स्टेशन है, जिसका नाम है हेरिंगे ग्रीन लेंस। तो ये यहाँ से ट्रेन जाती है, आप देख सकते हैं। इधर स्टेशन है, तो इधर से ट्रेन जाती है। सामने जो
देख रहे हैं वो किंग्सबरी पार्क है, बट पार्क के अंदर ही 3-4 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो फिलहाल मैं 3 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ। ये चलिए आगे चल के देखते हैं आगे का एरिया। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगा अपडेट देते जाऊँगा। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटिंग है, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं आज ये जर्नी को, तो जुड़े रहिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गया हूँ मनार हाउस के पास, और टोटल अभी मैं 4 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ। तो मेरा पहला स्टेशन होता है टर्न पाइक लेन, दूसरा स्टेशन है मनार हाउस। तो फिलहाल मैं वही हूँ, और यहीं से किंग्सबरी पार्क भी स्टार्ट होता है, तो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मनार हाउस, सीधा डाल्टन, उसके इस साइड में हमें जाना है हॉलवे, हॉलवे की ओर जाएंगे लंदन। और ये जो आप देख रहे हैं ये है किंग्सबरी पार्क, और सामने जो आएगा वो है मनार हाउस। ये अंडरग्राउंड है मनार हाउस स्टेशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जर्नी, यहाँ आपको दिखाते हैं अगल बगल क्या है, यहाँ का व्यू आपको पूरा दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये पूरा एरिया है मनार हाउस, जो अंडरग्राउंड है वो सामने है। यहाँ पे भी बहुत सारा कैफे है, ये देख सकते हैं सामने मनार हाउस स्टेशन, और यहाँ पे सामने एक बड़ा सा होटल है। उस साइड भी स्टेशन है, सामने देख रहे हैं यहाँ पे भी स्टेशन है, मुझे उस साइड जाना है। बाकी इधर सीधा इनफील्ड है, और बहुत सारा जगह है इधर। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे जर्नी उस साइड, और आपको इधर का व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा। ये जो मनार हाउस का एरिया है, यहाँ पे ये मेन रोड है, आप देख सकते हैं ये इस साइड का व्यू। इधर पे ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ बिल्डिंग्स है, कुछ कैफे है, और वो सामने जो है वो पार्क है, वही किंग्सबरी पार्क है। चलिए आगे चलते हैं कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है किंग्सबरी पार्क, और सामने कोई फेयर लगा हुआ है, छोटा सा कोई इसमें मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत सारा झूला वगैरह है इसमें। तो फिलहाल ये किंग्सबरी पार्क के पास हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये एरिया। तो अराउंड मतलब 4 से 5 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मस्त मेला लगा हुआ है, बहुत सारा झूला है यहाँ पे, ये देखिए बड़ा वाला। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो यही है वो फन फेयर किंग्सबरी पार्क, 31 मार्च to 16 अप्रैल। अंदर से दिखाते हैं, सामने देख सकते हैं फन फेयर लगा हुआ है। तो किंग्सबरी पार्क अब मैं क्रॉस करूंगा, एक पड़ाव समझ सकते हैं हो गया है 5 किलोमीटर का। तो देखते हैं, मैं जो रहता हूं वो है N15, मतलब पोस्ट कोड यहां पे होता है, तो मेरा जो पोस्ट कोड है वो N15 है, मतलब कि सेंट्रल से 15 किलोमीटर दूर है। तो 15 में से 5 किलोमीटर मैं वॉक कर चुका हूं, अभी 10 किलोमीटर और वॉक करूँगा तो सेंट्रल पहुँच जाऊँगा। तो जुड़े रहिए, आगे का भी जर्नी आपको ही दिखाते हैं, ऐसे ही रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेगी तो आपको और दिखाएंगे। तो मिलते हैं
आगे जब फिंसबेरी क्रॉस कर लेंगे फिर आपसे बात करें। तो दोस्तों ये है फिंसबेरी का जो एरिया है, मार्केट एरिया, वो यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो आप सोचेंगे वाओ ये क्या है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना भीड़ है, और ये जो भीड़ है वो एक पब के पास है। तो यहाँ पे लोग अभी कोई क्लब का मैच होगा, फुटबॉल मैच, उसके लिए आए हैं। और यहाँ का भीड़ देखिए कितना है, आपको फ्रंट कैमरा से दिखाते हैं। ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ये पूरा फिंस, सामने जो देख रहे हैं वो फिंसबेरी पार्क का जो ट्रेन स्टेशन है वो है। और ये आप देख सकते हैं ये मार्केट एरिया है फिंसबेरी पार्क के आसपास का। लंदन का हर एक एरिया खूबसूरत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का भीड़ है। और ये वो रेंटेड साइकिल, यहाँ वीकेंड हुआ नहीं कि इनका पार्टी देखिए कितना खतरनाक पार्टी करते हैं ये। The 12 pins, ये देखिए फिंसबेरी पार्क का ये पब है 12 pins, सही है ये जगह। अब मुझे उधर जाना है तो कंटिन्यू करते हैं जल्दी।